एक्सीलेंट, बिल्कुल संस्कारी लड़की के गुण नजर आ रहे हैं। मुझे आरएस ब्रदर्स के लिए जैसी डिजाइन चाहिए थी ये बिल्कुल उसी तरह है। यू आर रियली ग्रेट राम। थैंक यू सर, लेकिन ये सारा क्रेडिट अर्चना को जाता है। हमेशा अकेले आने वाले तुम, आज जब इस मॉडल के साथ आए तभी मैं समझ गया था शी मस्ट बी समवन वेरी स्पेशल टू यू। नो नो सर, शी इज नॉट अ मॉडल, ये हमारी कंपनी के क्रिएटिव हेड हैं। इन्होंने मेरे कहने पर ऐसा किया है। यू आर अ वेरी लकी पर्सन राम। लड़की बहुत खूबसूरत है। योर टेस्ट इज एक्सीलेंट। थैंक यू सर। आई विल मेक अ मूव। ओके सर। जल्दी तुम्हें गुड न्यूज देना होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हे, ये क्या बोल रहे थे? अर्चना, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। क्या? गोवा में तुम्हारी शरारत मुझे पसंद आई, फैशन शो में क्रिएटिविटी पसंद आई। जब से तुम मेरे पास ज्वाइन हुई हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास ही रह जाओ। आई लव यू अर्चना, आई लव यू सो मच। राम, ये तुम कह रहे हो? लवर्स को तुम ट्रैश करते थे और कहते थे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। तुम्हारी क्वालिटीज के लिए तुम्हें पसंद किया था। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड राम। हेलो राम, हेलो हेलो राम। क्या हुआ? मैंने अभी तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, कहां पर तुम्हें क्या हुआ? बाद में बताऊंगा, चलो चलते हैं। राम, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन यार, तुम उसे नाराज तो नहीं है ना? छह, अपनों से कैसा गुस्सा। मेरा बर्थडे याद करके गोवा से तू यहाँ आया है, मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन। स्टूपिड, गोवा में घुमाना काफी नहीं था जो इसे घर पे ले आया? ऐसा नहीं यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक भी काम तुमसे ठीक तरह से नहीं होता। आरएस ब्रदर्स का फोटो सेशन क्यों नहीं किया? करने के लिए सही मॉडल मिलनी चाहिए ना, उसके लिए ये करेक्ट है। यही सोचकर इसे यहाँ पर लाया हूँ, समझे? शी जस्ट लाइक इंटरनेशनल मॉडल, यू नो। अरे डार्लिंग, तुम जर्नी करके बहुत थक गई होगी ना, जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो। इंटरनेशनल मॉडल बताकर मुझे बेवकूफ बना रहा है? कहीं तू उसके साथ हद से ज्यादा तो नहीं कमिट हो गया? लेकिन बैडली फील मत कर, मैं पहले की तरह कमिट नहीं हुआ हूँ, शादी का वादा किया उससे। अरे बुद्धू, तुझे शाहरुख समझकर पटा नहीं रही है तुझको। तेरे पास कार पैसा देखकर तुझे ट्रैप कर रही है और तू कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। ए, यूज कर रही है वो तुझे, तू अभी उसे गोवा भेज। राम, हर रास्ते का एक मोड़ होता है और हर पेड़ से छाया मिलती है। और हर कुत्ते को एक दुम होती है। उसका भी एक दिन होता है और हर मर्द के लिए एक औरत होती है और यही सोचकर वो मेरे पीछे पड़ी है। ऐसे आने वाली लड़की के पीछे एक बड़ी कहानी होती है और उस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। बेवजह प्रॉब्लम में फंस जाएगा तू, उसे गोवा भेज दे। प्रॉब्लम वो कैसी होती है? जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, दिल में ब्रदर, तुम क्यों रो रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ? प्यार में फेल हो गया हूँ। लव फेलियर? जमीन से एक बित्ते के तो होने, तुम्हें कौन लड़की प्यार करेगी? हाँ देखो मिस्टर, मिस्टर नहीं, जेम्स, सॉरी मिस्टर जेम्स। या ये जो लड़कियाँ हैं, ये हाइट बॉडी नहीं देखती, ये देखती हैं आपके यहाँ पे। क्या मुझ में बात नहीं है इसलिए तुम प्रेम का छूट के नहीं बाकी? हेलो, ऐसे सोच में क्या पड़ गए? कुछ पर्सनल टच कर दिया क्या? फ्लैशबैक में चले गए? हाँ ब्रदर, इस दुनिया में सब लव फेलियर है अपनी तरह। टेक इट इजी, जस्ट मिनट, वन मिनट। एक्सक्यूज मी,
प्रेस वाले हो, पब्लिसिटी मुझे पसंद है। क्या पब्लिसिटी? ये स्टूडियो देख रहे हो, यहाँ का वर्कर हूँ, मेरा नाम गिरी बाबू है। इसे डेवलप करके प्रिंट करो। ठीक है, नाम क्या है? जेम्स। इसे कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। अभी तुमने जिसको बाहर देखा ये उसी का फोटो है, समझे? ओहो, इसका मतलब ये दोनों भाई हैं। हैदराबाद में नए हो क्या? नहीं, हैदराबाद मेरे लिए नए हैं। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अरे कंफ्यूज मत कर, स्ट्रेट बता क्या है ये सब। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। को मजाक पसंद नहीं, समझा? टेल मी, हु इज दिस? इसका नाम के श्रीनिवास राव। फिल्मों में एक्टिंग के लिए स्ट्रगल किया, मगर फिल्मों में काम नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने जीने के लिए स्टूडियो खोल लिया। लेकिन उनका फिल्मी कीड़ा अभी तक मरा नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया स्टाइल अपनाया है। वेरी इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू। नटराज के लिए नाटक ही प्रमुख है, पिक्चर नहीं। ये जानकार नटराज की तरह जी रहा है। जीव नटराज? यस मिस्टर जेम्स, उसे विद्या सीखने की देर है। हाँ? फिर वो अपना पात्र भूलकर नाटक करता है और फिर विग निकालने के बाद आम इंसान बन जाता, समझे? ओ, इसका मतलब मेरे अलावा भी इस दुनिया में और बेवकूफ हैं। ओके, प्रिंट निकालो, रेडी करो। ठीक है, कुछ एडवांस मिलेगा? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। राव साहब, आपका नाटक बहुत अच्छा था, हमारे पैसे हमें दीजिए। नाटक क्या और पैसे क्या, प्रेमिका के चले जाने के गम में मैं मर रहा हूँ और आप पैसे मांग रहे हैं? ए, जब तक इसके सर पे वीक है ये हमारी बातें नहीं सुनेगा, उखाड़ो इसका वीक। अरे आपकी किस्मत। अरे अरे, हाँ बोलो। ये जनता क्या, ये नाटक क्या बेवकूफी है? अरे क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? अपना मुंह बंद करो, बाहर चला गया तो हाहाकार हो गया। अरे रामा राव का स्टूडियो देखो, कितना नीट एंड क्लीन रहता है, देखो। अरे उससे सीखो तुम लोग। वो सिनेमा स्टूडियो है और ये फोटो स्टूडियो है, एक गिरगिट है और दूसरा एनाकोंडा। हाँ बहुत हो गया, अब इनको यहाँ से हटाओ। ये सब शादी के बाद? जरूरत हो तो पहले भी कर सकते हैं। नो वे, जानू अपनी शादी कब होगी? जानू जितना तुम्हें पता उतने मुझे पता है, हमारी शादी के लिए पहले राम को ओके करना होगा। हमारी शादी हमारी मर्जी, बीच में राम का क्या लिंक है? तुम मुझ पर विश्वास करती हो लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं करते, इसीलिए मेरी जिंदगी की डोर राम के हाथ में दे दी है। उसने हाँ कह दी तो शादी पक्की। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज राम का बर्थडे है, वो अच्छे मूड में रहेगा, उसे ग्रैंड पार्टी देकर अपनी शादी की बात करूंगा। हेलो। हेलो राम। क्या रे चिल्ला क्यों रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है ना, धीरे बात कर। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हें ग्रैंड पार्टी देना चाहता हूँ। सॉरी यार, मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मीटिंग कर रहा हूँ, समझ में आ गया? अब फोन रखो। मेरा दोस्त है अर्चना, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के जैसा ख्याल रखने वाली तुम मुझे मिल गई हो। मेरे बिना बोले मुझे बर्थडे ट्रीट दे रही हो, मुझे बहुत थ्रिलिंग फील हो रहा है। इट्स माय प्लेजर राम, केक रेडी है क्या? 2 मिनट्स मैडम। लव्स मी नॉट। रुक, सुबह से देख रहा हूँ उखाड़ रहे हो। ये तुम्हें पत्ते उखाड़ने जैसा लग रहा है क्या? और नहीं तो क्या? इसमें मुझे मेरा फ्यूचर नजर आ रहा है। वो कैसे? इस गुलाब के पत्तों को तोड़ते हुए कह रहा हूँ, लव्स मी नॉट। जितनी बार ऐसा करता हूँ हर बार लव्स मी नॉट आता है। ऐसा है क्या? क्या सर ऐसा क्यों हंस रहे हैं? ऐसा है क्या? ये फूल आपके हाथ में है, शी लव्स मी कहकर अकेले ही खुश हो जाइए, कम से कम सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो या? ओके। बताओ ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ये ओरिजिनल है, मुझे पता है तुम्हारा गांव बंदर, मुझे पता है। व्हाट अ गेस, हमारे गांव का बंदर है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है। अब उखाड़ ले जितना उखाड़ना है।